नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लौकी और सोयाबीन से बने बहुत ही टेस्टी एक सब्जी की रेसिपी बनाना बताऊंगी। आज की रेसिपी आप एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे आधा किलो लौकी। लौकी को पील करने के बाद हम ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप सोयाबीन। 5 मिनट गर्म पानी में भिगो के रखने के बाद जब सोयाबीन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ते हुए ले लेंगे। सोयाबीन और लौकी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे तेल और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए हम डाल देंगे सोयाबीन। 3 से 4 मिनट के लिए सोयाबीन को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम करके सोयाबीन को फ्राई करेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। 3 से 4 मिनट के लिए सोयाबीन को फ्राई कर लिया है। सोयाबीन का कलर जैसे ही चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे। पैन में हम ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए डालेंगे 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा और सरसों को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जैसे ही सरसों फ्राई हो जाए हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। प्याज को हम फ्राई करेंगे प्याज के कलर चेंज हो जाने तक। प्याज जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 30 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे हम। अदरक लहसुन डालने के बाद हम डालेंगे ड्राई मसाले। डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भर के डाल देंगे। ड्राई मसाले डालने के बाद हम बस मसाले को मिक्स करेंगे और डालेंगे एक बड़े साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार और टमाटर के पूरी तरीके से सॉफ्ट हो जाने तक हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और मसाले को हम अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को अच्छे से भून लिया है। टमाटर जैसे ही हमारा हल्का सॉफ्ट हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे लौकी। लौकी डालने के बाद अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक लौकी हमारा अच्छे से भून भी जाएगा और लौकी हल्का सॉफ्ट भी हो जाएगा, लेकिन बीच में खोल के हम 1 से 2 बार स्पैचुला से चलाते भी रहेंगे। तो पैन को कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 5 मिनट हो गए हमें लौकी को ढक के भूनते हुए। लौकी हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच दही और देखिए टमाटर पूरी तरीके से हमारा गल चुका है। 3 चम्मच दही हम डाल देंगे। दही डालने के बाद हम अच्छे से 2 मिनट के लिए भूनेंगे पहले खोल के, फिर हम सोयाबीन डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। दही डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैंने खोल के भून लिया है। डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी, हल्का इस तरीके से क्रश करते हुए डाल देंगे और साथ ही डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके ढक देंगे हम 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक लौकी हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और बीच बीच में खोल के आप 2 से 3 बार चेक भी करते रहिएगा। तो लो फ्लेम में हम सब्जी को ढक के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट हो गए और लौकी देखिए अच्छे से हमारा भून चुका है।
साइड से तेल अलग दिख रहे हैं और लौकी भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। देखिए अब हम डाल देंगे यहाँ पे सोयाबीन, अच्छे से हम मिक्स करेंगे सोयाबीन डाल के, और डालेंगे हम पानी। सोयाबीन डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिए, डालेंगे हम आधा कप पानी। लौकी हमारा पहले से ही सॉफ्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, करीब आधा कप हम पानी डाल देंगे। अच्छे से हम मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और सब्जी को ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। जैसे ग्रेवी में बॉयल आ जाए पैन को कवर करेंगे 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 5-7 मिनट हो गए और सब्जी हमारा बनके तैयार है। हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं और सब्जी को हम खोल के 2 मिनट के लिए हल्का ड्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से स्पैचुला से हम लौकी को तोड़ते रहेंगे। लास्ट में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और ये सब्ज़ी आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है लेकिन माने खाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी आप इस सब्ज़ी को खा सकते हो। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, सब्जी हमारा तैयार है, हम सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।